मीरपुर से आपका, आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक है, कुछ हम जानना चाहेंगे और ज़मान के बारे में हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। कुछ बताइए, क्रिकेट का आगाज़ कहाँ से किया, फैमिली में और भी क्या क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर से इतने क्रिकेटर्स का हम सुनते नहीं हैं, तो कुछ अपना अगर बचपन की यादों से लेकर अभी तक हमें बता सकें ज़मान आप। जी, जिधर मैं रहता हूँ चकसवारे मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ एक छोटा गांव है, वहाँ मैंने क्रिकेट टे बॉल से शुरू की थी। तो इसी तरह स्कूल के बाद जब भी 5 के या 6 के दरमियान जो भी टाइम था वो मेरा क्रिकेट का था। तो उसके बाद ट्रायल हुए अंडर 16 के, मुझे पता नहीं था 8 बॉल का, तो ट्रायल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वहाँ मैंने अच्छा क्लब ज्वाइन किया, ईगल स्टार मीरपुर। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, तो अंडर 16 के ट्रायल हुए, उसमें सेलेक्ट हुआ, तो अंडर 16 में परफॉर्म किया रीजन में AJK से। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा टूर था पाकिस्तान अंडर 16 का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छा परफॉर्म किया था। वापसी पर फिर 3 साल नॉर्दर्न से खेला अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद KPL के ट्रायल हुए, तो KPL के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की थी, तो उसमें रिजल्ट अच्छा आया, तो अच्छा परफॉर्म किया। तो उसके बाद मेरा सेकंड 11 में नाम आया, सेकंड 11 में T20 में बस बॉलर आया। तो फिर इजाज भाई थे हमारे नेशनल T20 में कोच थे, हेड कोच, उन्होंने ऊपर बुलाया नेशनल T20 के लिए, तो उसमें अच्छा परफॉर्म किया। तो जब PSL की ड्राफ्टिंग हो रही थी तो आकिब भाई ने भी देखा था, तो उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने PSL 7 के लिए मेरा नाम लिया ड्राफ्ट में, अमरजिंग फर्स्ट क्रिकेट टीम में।